अगर आप भी अपनी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन तरीके से घर पर बैठ के सिर्फ अपने मोबाइल से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो ओपन किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपनी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये बाहर करवाने जाते हैं साबा कैफे में तो आपको कम से कम 100 से 200 रुपए ले लेता है फिर वो अप्लाई करता है, लेकिन आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वही है बिल्कुल सही तरीका। उसी से आप अपने घर पर बैठ के अपने मोबाइल से अपनी आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन दे पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ इसके लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपको फॉर्म में कहाँ फिल करना है, क्या फिल करना है, पूरी जानकारी आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर ले। निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे आपको इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको आ जाना है अपने मोबाइल पर या अपने लैपटॉप पर। आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। दोस्तों लैपटॉप या मोबाइल पर आने के बाद आपको यहां पे गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद यहां पे आपको टाइप करना है RTPS। दोस्तों जैसे ही आप टाइप करेंगे RTPS टाइप करने के बाद आपको सिंपल सा सर्च कर लेना है। चलिए इसको मैं यहां पे सर्च कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही आप सर्च करते हैं RTPS, यहां पे देखिए दोस्तों आपको पहली वेबसाइट दिख जाएगी RTPS, आपको इसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। दोस्तों जैसे ही आप इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं यहां पे देखिए बिहार सरकार लोक सेवाओं का अधिकार, यहां पे आपको ये ऑफिशियली वेबसाइट दिखाई दे रही है। यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस आएगा इस वेबसाइट का, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कई ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, होम, एप्लीकेशन स्टेटस, वेरीफाई तत्काल, सर्टिफिकेट, ऑफिशियली लॉगिन, अप्लाई ऑनलाइन। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन, आपको दोस्तों इसी के ऊपर क्लिक करना है। चलिए दोस्तों मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है महत्वपूर्ण सूचना और आपको मैं सहमत हूँ इसके ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं यहाँ पे आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे लिखा है अप्लाई फॉर्म, यहाँ पे आपको अपना फॉर्म भरना है। आपको यहाँ पे अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है, प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ आधार नंबर, यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर टाइप करना है। उसके बाद जो डिब्बे जैसा बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद लिखा है नेम, यहाँ पे आपको नेम इंग्लिश में टाइप कर लेना है, उसके बाद हिंदी में टाइप कर लेना है। उसके बाद आया सर्टिफिकेट, आप कौन सा सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं या जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं। आपको जो लिखा हुआ है डुप्लीकेट आय प्रमाण पत्र, आपको इन तीनों ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है जहां पे मेरा कर्सर है। आप अगर आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो ऊपर क्लिक करना है, और अगर जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आपको थर्ड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप निवास प्रमाण पत्र के लिए कैसे आप ऑनलाइन आवेदन देंगे। अगर आप मुझे कमेंट करते हैं तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप आय प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे, जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है तो यहां पे मैं आज निवास के बारे में बताने वाला हूं। उसके बाद दोस्तों यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों मैं ये सब फिल कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना है। तो यहां पे देखिए आपको जो भी टाइप कर लेना है वो हिंदी में टाइप कर लेना है, इंग्लिश में टाइप कर लेना है, और ये सब टाइप करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ पे दर्ज किया है, और उस OTP को आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मेरा कर्सर, उस OTP को यहाँ पे आपको
टाइप कर लेना है जो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। चलिए तो मैं उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने जब यहाँ पे नेक्स्ट किया ओटीपी आ गया, मैंने ओटीपी एंटर कर लिया। उसके बाद इंटरफेस आया आवेदक का विवरण, यहाँ पे आपको विवरण देना है। आप जिसके नाम के लिए आवेदन करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी महिला के नाम पे आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपको श्रीमती लिखना है। अगर कोई पुरुष है उसके नाम के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको श्री लिखना है। दोस्तों ये लिखने के बाद यहाँ पे महिला है तो मैंने श्रीमती चूज कर लिया। उसके बाद कह रहा है संबंध, यहाँ पे अगर आप डालेंगे कि यहाँ पे लिखा है पिता या पति का नाम, तो यहाँ पे अगर आप अपने पिता का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे आपको पिता चूज कर लेना है। अगर यहाँ पे आप पति का नाम लिखते हैं तो यहाँ पे पति चूज कर लेना है। चलिए तो मैं यहाँ पे पिता चूज कर लेता हूँ, और पिता चूज करने के बाद यहाँ पे मैं उनके पिता का नाम एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जब यहाँ पे आप हिंदी में पिता का नाम एंटर करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो पिता फादर नेम लिखा है यहाँ पे आपको इंग्लिश में एंटर करना होगा। उसके बाद माता जी का नाम यहाँ पे आपको हिंदी में एंटर करना होगा। उसके बाद मदर्स नेम आपको इंग्लिश में एंटर करना होगा। उसके बाद लिखा है लिंग, यहाँ पे स्त्री पुरुष जो भी है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया स्त्री। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद कह रहा है प्रखंड, उसके बाद कह रहा है प्रमंडल, यहाँ पे आपको अपना पूरा प्रमंडल सेलेक्ट कर लेना है आप किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अनुमंडल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आया प्रखंड, आपको अपना पूरा प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ पे लिखा है गांव मोहल्ला, यहाँ पे आपको अपने गांव या मोहल्ले का नाम एंटर कर लेना है। पूरा फुल एड्रेस दोस्तों एंटर करना है। उसके बाद आया पंचायत वार्ड संख्या, यहाँ पे आपके जो पंचायत है या वार्ड संख्या है वो यहाँ पे आपको एंटर कर लेनी है। दोस्तों बहुत ही ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेगा और बहुत ही ध्यानपूर्वक एंटर कीजिएगा, अन्यथा अगर आप इसमें मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं तो आप दोबारा नहीं कर सकते। तो उसके बाद आया पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे आपके नज़दीक में जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है उसका आपको यहाँ पे नाम एंटर कर लेना है। उसके बाद आया दोस्तों थाना, यहाँ पे आपको अपना थाना सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपके पास में थाना लगता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है आवेदन का उद्देश्य, जो आप जो निवास प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन दे रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पे आपको उद्देश्य सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कह रहा है स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी, यहाँ पे आपको स्वीकृति प्रदान करने वाले पदाधिकारी का नाम दे देना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसको आपको खाली छोड़ देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब फिल करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों मैं ये सब फिल कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए आवेदन का मैंने पूरा विवरण भर लिया है, यहाँ पे आवेदक का नाम, एप्लीकेशन, ये पिता का नाम, माता का नाम, मोबाइल नंबर, प्रमंडल, जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पूरा गांव, पंचायत संख्या, पोस्ट ऑफिस और थाना, और आवेदन का उद्देश्य। दोस्तों ये सब भरने के बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी मिस्टेक ना कीजिएगा, कोई भी गलती ना कीजिएगा। ये करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, इस तरीके से आप निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आपने जब नेक्स्ट कर दिया तो यहाँ पे लिख के आ रहा है स्वयं शपथ पत्र, यहाँ पे फॉर्म लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका जो नाम आएगा जिस नाम से आपने आवेदन किया होगा, पिताजी का नाम आएगा, ये पोस्ट ऑफिस आएगा, ये सब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्थान मुंगेर सदर, यहाँ पे तारीख लिखी हुई है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ मैं सहमत हूँ, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, और सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपका निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। ऐसे दोस्तों आप निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक डेट मिलेगा, एक टाइम मिलेगा, आपको अपना आधार कार्ड लेकर आपको अपने ब्लॉक चले जाना है। ब्लॉक में जाने के बाद आपको अपना आधार वेरिफिकेशन कराना है। आधार वेरिफिकेशन कराने के बाद आपके दो प्रकार से आपका निवास प्रमाण पत्र आ जाएगा, या तो आप अपने ब्लॉक से भी ले सकते हैं और या आप ऑनलाइन तरीके से अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन देना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में आपको जो घंटे का ऑप्शन दिख रहा है उसको आप ऑल प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूं फिर आप लोगों के लिए एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर, तब तक दोस्तों जय।